एक ट्रेन जा रही थी तो उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अब उसमें ना 10-12 लड़के चढ़ गए। अच्छा, अब लड़कों का तो नाम ही है लड़के, काम ही है लड़ना। अब लड़के चढ़ गए, बूढ़ा आदमी बैठा है। अब लड़कों को शरारत छूची, कुछ करो, खाली बैठे। मतलब क्या करें, मतलब चेन खींचो, कुछ करें, अब टाइम पास, खाली क्या करेंगे। तो बोले चेन खींचे तो पैसा लगेगा ना। फिर तो बोले ठीक है, 100-200 रुपए निकालो, सारे दे देंगे, सारा कुछ तो मस्ती करें। तो सबने, किसी ने 100 रुपए निकाले, किसी ने 200, सब मिला के 1200 रुपए इकट्ठे हो गए गिन के। अब बूढ़ा देख रहा है, जेब में रख लिए। अब उसमें से एक कलाकार था, उसने कहा एक तरीका है, पैसे भी नहीं जाएंगे, चेन खींचो, इसका नाम लगा। अब बूढ़ा सुन रहा था, उसने बोला हमारे को क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। उसने बोला बड़ा मजा आएगा। अब बूढ़ा गिड़गिड़ाए। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें मजा आता है कि कोई गिड़गिड़ाए। अब बूढ़ा गिड़गिड़ाए, भाई हमको माफ करो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लड़के ने बोला ना, आज तो मजा चकाएंगे तुझे। इतने में किसी ने चेन खींच दी और लड़का खुद ही जाके बुला लाए, किसी ने खींची। अब बूढ़े ने मन में सोचा, अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरी मानेगा कौन, ये 10-12 लड़के। अधिकारी ने बोला तूने चेन खींची। उसने बोला जी हुजूर, हम ही ने खींची। उसने बोला क्यों खींची। बोला ये 1200 रुपए मेरे छीन लिए इन्होंने, मैंने चिंता के मारे चेन उतार दिए। ये 1200 रुपए थे हम पे, इन लोगों ने छीन लिए, तो मरता क्या ना करता, मैंने चेन खींच ली। और गिनो इनके पास है कि नहीं। बूढ़ा तो देख रहा था, पैसे गिने तो 1200। अधिकारी ने लिया, महाराज ये लो, और लड़के को अगले स्टेशन पर उतार के ले जाने लगे। बूढ़ा खिड़की में बैठा है और दाढ़ी पे हाथ मार रहा है। ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हो रहे बाबू।